शाम को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक शब्द न मेरा बोलना उचित है और न आपका पूछना उचित है। मगर उन्होंने अपने उस शपथ पत्र में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको कि छिपा लिया है। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि वो एक शराब की कंपनी में पार्टनर हैं और डायरेक्टर हैं, मगर उन्होंने न तो इसका कहीं जिक्र किया है, जो कि उसमें कॉलम है अपने संपत्ति के बारे में आपको जिक्र करना है, उस कॉलम में कहीं भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। शराब की स्मगलिंग के मामले में अभी उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ है गिरिडीह में, उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर और ट्रांसपोर्टर के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब गिरिडीह में पकड़ी गई थी, जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है। लेकिन इस मुकदमा को हुए एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उस मुकदमे का कोई जिक्र उन्होंने अपने 13 अक्टूबर को जो नॉमिनेशन फाइल किया है कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है सर कि चुनाव जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला और भयंकर मसले, यह तो सभी को मालूम है जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है, यह कोई एक ऐसी सच्चाई है जिसको हर कोई जानता है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। आज अंतिम तारीख था चुनाव प्रचार के लिए, 6 बजे तक के समय निर्धारित किया गया था चुनाव प्रचार को लेकर। आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के प्रत्याशी मोहन गुप्ता पर कई आरोप लगाए और कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक लेटर देना होता है, लेटर में ये कहा जाता है कि जो भी आपके पास संपत्ति है या फिर कोई भी आपराधिक मामले हैं आप पे, वो तमाम बातें उस लेटर में जिक्र किया जाता है। लेकिन मोहन गुप्ता ने कई ऐसी बातें हैं जो उस लेटर में नहीं बताया, उसको लेके आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हाईकोर्ट भी गए। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। विगत दिनों से आप सबों को मालूम है कि इस उपचुनाव में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं और हमने लगातार कुछ बातों को संज्ञान में दिया था चुनाव आयोग के। हमारे पास सभी सबूत हैं गोपालगंज के उम्मीदवार के खिलाफ कि उन्होंने न केवल अपनी कंपनी में पार्टनरशिप छिपाई है, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर जो केस हुआ है उसके बारे में भी जिक्र नहीं किया है। आज वहाँ के गोपालगंज के एक नागरिक दीपू कुमार सिंह जी ने आज उसके लिए हाईकोर्ट में रिट दायर किया है। मैं SD संजय जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में विस्तृत रूप से आप सबों को बताएं। उनको उसके साथ में एक शपथ पत्र देना होता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनको उसके साथ में एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं इस शपथ पत्र के जरिए जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, मैंने कोई बात नहीं छिपाई है। मगर उन्होंने अपने उस शपथ पत्र में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको कि छिपा लिया है। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि वो एक शराब की कंपनी में पार्टनर हैं और डायरेक्टर हैं, मगर उन्होंने न तो इसका कहीं जिक्र किया है, जो कि उसमें कॉलम है अपने संपत्ति के बारे में आपको जिक्र करना है, उस कॉलम में कहीं भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने उसका वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया, तब जाके हमें ये जानकारी मिली कि वो उस कंपनी के एक इंडिविजुअल पार्टनर हैं और वो हमने उस रिट याचिका में लगाया है और कोर्ट के संज्ञान में लाया है। तो ये सबसे पहला जो उन्होंने झूठ किया, छल कपट किया है अपने नॉमिनेशन पेपर में और अपने शपथ पत्र में, ये हमने कोर्ट के संज्ञान में लाया है। दूसरी बात, शराब की स्मगलिंग के मामले में अभी उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ है गिरिडीह में, उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर और ट्रांसपोर्टर के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब गिरिडीह में पकड़ी गई थी, जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है। लेकिन इस मुकदमा को हुए एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उस मुकदमे का कोई जिक्र उन्होंने अपने 13 अक्टूबर को जो नॉमिनेशन फाइल किया है कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। तो हम लोगों ने जो पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज के एक नागरिक के द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई है, उसमें ये सारी बातें न्यायालय के संज्ञान में लाई है, क्योंकि इसके पूर्व हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर के वहाँ एक विस्तृत हमने अपना कंप्लेंट फाइल किया था, चुनाव आयोग के संज्ञान में ये सारी बातें लाई थी और उसके सबूत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए थे।
बावजूद उसके आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कल तक इंतजार करने के बाद हम लोगों ने आज पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और कल उसको मैं मेंशन करने जा रहा हूं कि उस पर तुरंत सुनवाई हो, या तो कल ही हो या परसों हो उसकी सुनवाई, ताकि इस चुनाव में ऐसा कोई व्यक्ति चुना नहीं जा सके जो कि सारी बातें गलत और झूठ अपने शपथ पत्र में डालता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। इसलिए ऐसा बहुत ही ऐसी संभावना है कि वो प्रत्याशी जो आरजेडी के हैं उनका चुनाव बहुत जल्दी अगर वो हो भी जाएगा तो रद्द हो जाना चाहिए। पूरे मामले को देखा है, आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि वह कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह की बातें केवल अफवाह होती हैं। आपका कोई भी कंपनी से नाम तब हटता है जब आप आरओसी में अपना नाम हटाते हैं। यह दुनिया के हर जगह सत्य है। आप सरकारी नौकरी में आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो जब तक आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता तब तक नहीं माना जाता है। तो यह एक शेडो बनाया जा रहा है, फर्जी पेपर फिर दिया जा रहा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है, आज भी डायरेक्टर के डीआई डिन में उन्हीं का नाम है। और इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस रिट पिटीशन को शीघ्र संज्ञान में लिया जाए। बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं, और जिस प्रदेश में 3.5 लाख नागरिक जेल में बंद हुए हों उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में आबकारी चोरी में संलग्न है। और इसको लेकर के जो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर। दूसरे तरफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर भी, या जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर। आज भी हाईकोर्ट की किसी भी बात का पालन बिहार सरकार नहीं कर रही है, ना निर्वाचन आयोग। आज हम पहले चुनाव आयोग ही गए थे पर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम हाईकोर्ट में आज रिट डाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो अनर्गल कार्य करके जनता के नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर किया जा रहा है जिस पर आप खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख लोगों को कानून बना के जेल भेजा हो, और तब उसके पार्टी के समर्थन से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो जो कि आबकारी घोटाले में संलिप्त हो, यह बहुत दुखद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हाईकोर्ट अवश्य इस पर संज्ञान लेगा, तुरंत इस पर बहस होनी चाहिए जिससे कि गोपालगंज के नागरिकों के अधिकार में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। यही हमारा अनुरोध, भारतीय जनता पार्टी का अनुरोध है, और हम इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिला है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेकर तुरंत ही इस पर बहस करा के सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। ये शाम को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मैं चुनाव प्रक्रिया के बारे में एक शब्द न मेरा बोलना उचित है और न आपका पूछना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया है सर कि चुनाव और आरजेडी का विलय होने वाला है, और यह तो सभी को मालूम है जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है। यह कोई एक ऐसी सच्चाई है जिसको हर कोई जानता है, इसमें नई बात क्या है। खुद जब राष्ट्रीय जनता दल का सम्मेलन हुआ तो अपना चुनाव चिन्ह बदलने का, पार्टी का नाम बदलने का पावर दे दिया गया। उसके बाद अब 8 दिसंबर को जो जदयू का हो रहा है तो चुनाव से पहले ही इन्होंने अपना नारा भी बदल दिया। अपना नारा अब उन्होंने कर दिया सामाजिक न्याय के साथ विकास, जो कि राजद का नारा रहा है, जो राजद का तो नारा भी वह उठा चुके हैं, नेता भी उठा चुके हैं। नीतीश जी आदेश भी दे चुके हैं कि सभी को, अब कल ही आप सबों के सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने आदेश दे दिया कि अब सभी को तेजस्वी जी के पीछे चलना है। तो यह कोई ऐसी छुपी बात नहीं है जिस पर बहस हो। क्या चीज़ आप लोग के संपर्क में है क्या जेडीयू विधायक? बहुत सारे पूरे जदयू के
वो हर वह कार्यकर्ता हम लोगों के संपर्क में है जिस बेचारे ने लालू जी के खिलाफ लाठियां खाई हैं, जिस बेचारे के परिवार को गोली मारा गया। एक कबड्डी का खेल होता है, उसी जिसमें कि एक प्लेयर एकदम लाइन पर खड़ा रहता है और हमेशा धमकाते रहता है कि अब हमको खेलने दो और नहीं तो हम दो लाइन क्रॉस कर जाएंगे, तुम आउट हो जाओगे। तो कुछ राजनीतिक में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा लाइन पर खड़े रहते हैं, जिसके अपने ही टीम को धमकाते रहते हैं कि अगर कोई दूसरा लीड किया तो मैं भी पार कर जाऊंगा, पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। 5 बजे शाम को सारा चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। अगर किसी ने भी, मुख्यमंत्री का भी अगर कोई प्रचार हो रहा है या किसी का भी प्रचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उस पर। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उनका कहना था कि हमारे वकील के द्वारा आज हाईकोर्ट में मोहन गुप्ता के खिलाफ हम लोग गए हैं और वहाँ पे उनके जो केस के संबंधित बातें हैं वो कोर्ट के सामने हमने रखा है और कोर्ट से जल्दी इस पर सुनवाई करने की बात भी कही है। देखने वाली बात है कि क्या कोर्ट इस पर सुनवाई करती है और क्या कुछ फैसला निकल के आता है। हालांकि उपचुनाव का अंतिम दिन था, आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और अंतिम दिन भी दोनों दलों ने दमखम झोंका। एक तरफ महागठबंधन थे तो एक दूसरी तरफ बीजेपी थी, दोनों की तरफ से खूब बयानबाजियाँ भी चली, दिन भर बयानबाजियों का दौर भी चला। सुबह से ही सुशील कुमार मोदी लगातार राजद पे हमलावर थे और उधर से राजद के तमाम जो नेता थे वो हमलावर थे। और अभी संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम मोहन गुप्ता के खिलाफ कोर्ट गए हैं, कोर्ट जल्दी इस पर सुनवाई करे, उसको लेकर कोर्ट से अपील भी की है और हम ये भी चाहते हैं कि कल ही इसकी सुनवाई भी हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।